हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज लंच में बन रही है ग्रीन अनियन की सब्ज़ी, ग्रीन अनियन और आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत सिंपल, वेरी सिंपल टू कुक, इजी टू कुक एंड वेरी टेस्टी टू ईट। और ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। सुबह सुबह जल्दी हो रही हो, एक दिन पहले आप ग्रीन अनियन कट करके डब्बे में भर के रख दो। आलू सुबह सुबह काटने रहेंगे और तड़के के लिए ना आपको इसमें हरी मिर्ची की ज़रूरत है, ना लहसुन की, ना प्याज की, क्योंकि ग्रीन अनियन अपने आप में एक प्याज है। तो लंच बॉक्स की तरह से भी ये बहुत अच्छा लगता है और लंच टाइम पे दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। डिनर में भी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपली मैंने ऑयल डाला है, आप चाहो तो सरसों का तेल डाल लो, और जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो हींग और ज़ीरा डाल दो। और हींग और ज़ीरा डालने के बाद डायरेक्टली हमें आलू डालने हैं, क्योंकि ग्रीन अनियन साथ में डालेंगे ना तो ग्रीन अनियन एकदम हलवे जैसी हो जाएंगी, बहुत जल्दी कुक हो जाती है ना। तो फटाफट से ये आलू डाल दिए मैंने और बहुत सिंपल है, बहुत लोग बनाते भी होंगे पर मैं ऐसे बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी मैं, जिससे मतलब आलू फीके फीके ना लगे बाद में। और इसको ना मैं अच्छे से चला के ना और इसको ढक दूंगी मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि थोड़े हाफ कुक हो जाएं। जब ये हाफ कुक होंगे ना तब तक मैं इसे बार बार चेक करती रहूंगी और फिर इसके अंदर मैं ग्रीन अनियन कटे हुए डालूंगी। ये सब्जी न्यूट्रिशियस तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन है और ये लगती भी बहुत टेस्टी है। एक बार इसे ट्राई करना, क्योंकि सब लोग नहीं बनाते ग्रीन अनियन की सब्जी। पता नहीं, मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही यमी लगती है। ये मैंने अहमदाबाद में बनाई थी जब मैं वहाँ गई थी भाविक भाई के घर पर, उन लोग को भी बहुत पसंद आई थी। सो इसको मैं बार बार बीच बीच में ना चेक कर रही हूँ। तो आज मेरे लंच में यही है, दाल चावल और ग्रीन अनियन की और आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटियाँ। तो अभी आलू हाफ कुक हो गए हैं तो इसके अंदर हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मसाला किसी भी तरह का नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रीन अनियन का अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, दैट्स इट। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हमारे ग्रीन अनियन जो गोल गोल कट करके रखे हुए हैं, और फिर अच्छे से चला देंगे। और फिर इसके अंदर टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर इसको हल्की फ्लेम, एकदम हल्की फ्लेम पे मतलब ढक के बीच बीच में चेक करते हुए सब्ज़ी को हम पका लेंगे। ये लंच बॉक्स में तो इतनी बढ़िया लगती है, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी सी थी तब मेरी मम्मी कई बार मुझे बना के देती थी। वाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है लंच में ये। तो जो लोग भी टिफ़िन बनाते हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इतनी जल्दी से बन जाती है कि पूछो ही मत, क्योंकि ग्रीन अनियन पकने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई मेरे घर में तो बहुत ही सिंपल खाना बनता है। दाल मेरी उबल गई है, अभी बाद में मैं इसमें तड़का करूँगी, पहले सब्ज़ी को बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। चलो इसको उठा के फिर से ढक्कन उठा के देख लेते हैं कितनी बन गई है। तो अभी इसको बीच बीच में चलाना ही पड़ेगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा देर, डर लगता है कई बार जल ना जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तो एक साथ नहीं पकने, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ मैं आके ना। तो अगेन मैं आ गई हूँ किचन में और साइड पे लग रही हैं दबादब सीटियाँ मेरे चावलों में। दाल तो बन चुकी है, बस रोटी रह जाएगी। तो रोटी के लिए मीनाक्षी आती है, आपको पता है। सब सोचते होंगे मीनाक्षी को क्यों लगा के रखा है, भाई मेरे पाँव में दर्द रहता है बस इसीलिए। बाकी तो मेरी आधी ज़िंदगी चली गई है, मतलब क्या बोलूँ, जब से मैं शादी हुई है वहाँ से मैं रोटियाँ बनाती चली आ रही हूँ। तो अभी 2 साल से ही मैंने लगाया है, और ये देखो सब्ज़ी कितनी डिलीशियस लग रही है। सो इस सब्ज़ी को आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना। हाँ जी गाइस, तो वैलेंटाइंस तो बहुत ही नज़दीक है और बहुत पास में है, और हर एक की लाइफ में हर एक का कोई ना कोई वैलेंटाइन ज़रूर होगा, और हर एक को किसी न किसी से गिफ्ट ज़रूर मिलने वाला होगा। तो इस वैलेंटाइन मेरी बेटी, मेरी सिस को मैं एक वैलेंटाइन का बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ, जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। वो गिफ्ट क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मुझे पीरियड शुरू हुए थे और तब मेरी मम्मी ने मुझे यूज़ करने के लिए सैनिटरी पैड दिया था, जबकि उस टाइम पे लेडीज कपड़ा यूज़ करती थी, लेकिन तो भी मेरी मॉम ने मुझे सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए दिया था ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। उस टाइम पे यही सबसे अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन होता क्या था, जैसे कि कुछ फंक्शन है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है, हम सब मैं स्किप कर दिया करती थी क्योंकि स्टेन का डर रहता था। सो टाइम के साथ मैंने भी अपना जो पीरियड पार्टनर है वो चेंज कर दिया और मैंने अपनाया एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप। गाइज, एवरटीन मेंस्ट्रुअल कप के साथ अब मुझे स्टेन का तो डर रहता ही नहीं है, ना ही किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए पीरियड डेट चेक करनी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ। सो मैंने सोचा कि इस वैलेंटाइन डे मैं अपनी छोटी सिस की वैलेंटाइन बनके उसे उसके पीरियड्स पे पैड्स की जगह एवरटीन का एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप गिफ्ट करूंगी, ताकि जिस तरह स्कूल टाइम्स में मैंने काफ़ी एक्टिविटी मिस कर दी हैं,
वो ना करें। और इस वैलेंटाइन डे आप भी अपनी छोटी बहन या फिर बेटी को मेरी तरह एवरटीन का एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। सो गाइस, बात करते हैं एवरटीन एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप। तो इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है टीनेज गर्ल्स के लिए, ताकि वो अपने पीरियड्स के टाइम पे भी कॉन्फिडेंटली हर चीज में पार्टिसिपेट कर पाए और पीरियड्स के दाग उन्हें किसी भी चीज में रोक ना पाए। बाय करें अपने लव्ड वंस के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये बना है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, 100% सेफ टू यूज है। कोई मेंस्ट्रुअल ऑर्डर, ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, स्किन इरिटेशन, इचिंग और रैशेज जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। लीक प्रूफ प्रोटेक्शन फॉर अप टू 12 आवर्स ड्यूरिंग पीरियड्स एंड कैन होल्ड अप टू 16 ml ऑफ लिक्विड। सो गाइज, इसको यूज करना बहुत आसान है। जस्ट फोल्ड द एवरटीन मेंस्ट्रुअल कप इन हाफ लेंथवाइज फॉर सी फोल्ड शेप एंड इंसर्ट इट इन वेजाइना। इस प्रोसेस को करते समय रिलैक्स रहें और कप निकालते समय बस उसे ट्विस्ट करें धीरे धीरे और बाहर आ जाएगा। क्लीन करके वापस उसे रख दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा और अपने जो भी लव्ड वन, आपकी सिस्टर है या आपकी बेटी है, उसको आप इस बार ये गिफ्ट कीजिएगा। तो मैं तो ये वाला यूज करती हूँ, ये भी एवरटीन मेंस्ट्रुअल कप ही है बट लार्ज साइज में है। बट आप अपनी छोटी सिस या बेटी को एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का मेंस्ट्रुअल कप एवरटीन का गिफ्ट कर सकते हो इस वैलेंटाइन। कुछ चीजें मेरी आई हैं अमेजोन से, वही कर रही थी बैठ के, इनको सबको उठा के रख रही हूँ। 7:15 हो रहे हैं शाम के, मेरी शाम की पूजा बाकी है। आज मेरे शूट भी हैं, तैयार भी होना है, तो मैंने बाल भी धोए हैं। ये शूट करना होता है उस दिन मैं बाल धो लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा शूट वगैरह करने में अच्छा पड़ता है, मेकअप वेकअप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है ना। और मैंने इस बार, हाँ, ये चाय पत्ती है, इसमें एक ड्रेस मंगवाई है मैंने, और ये आए हैं बी ब्लंट के हेयर कलर, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं, आई वॉन्ट ट्राई, मैंने इसका काफ़ी नाम सुना है। और एक ये क्या बोलते हैं, भीमसेनी कपूर, और ना ये वाला अचार मैंने ट्राई किया क्योंकि ये देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ये सच में होममेड लिखा है इस पर, होममेड लव पंजाबी आम का अचार, बट गाइस सच में घर जैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम घर जैसा लग रहा है, देखो है ना, एकदम घर जैसा अचार। ये अमेजन पे अवेलेबल है और ये किस नाम से है, होममेड लव पंजाबी आम का अचार इस नाम से है। तो ये सारी चीज़ें मैं उठा के रख देती हूँ अब, और देखो ये इसका शेडो पड़ रहा है लैम्प का। मेरी शाम की पूजा बाकी है, वो सब कर लेती हूँ। दिन भर तो मैंने बात ही नहीं करी आपसे ज़रा भी, सारा काम निपटा के आपसे आराम से बातें करती हूँ। ये जो सब्ज़ी है ना, आलू ये ग्रीन अनियन और आलू की, ये बहुत अच्छी लगती है गाइस, आप भी ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिर आप लोग अब एक बार ट्राई करोगे तो आपको भी पता चलेगा, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें एक्स्ट्रा कोई प्याज लहसुन कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने सिंपल वे में बनाई थी। लंच बॉक्स में दो ना, तो भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आज मैंने थोड़ा सा खाना पैक करके प्रिशा के सर के लिए ट्यूशन में भेजा था, वो एक्चुअली डायरेक्ट अपने स्कूल से आने वाले थे, वैसे घर जाके आते हैं, लेकिन आज ट्यूशन की टाइमिंग जल्दी थे, तो वो डायरेक्ट स्कूल से पढ़ा के घर ट्यूशन पे आने वाले थे क्लास पे। तो प्रिशा बोली मम्मी वो खाना खाए बिना आ जाने वाला है, मैंने कहा ठीक है बेटा लेके जा, तो देखते हैं प्रिशा क्या बोलती है, कैसा लगा सर को खाना। अभी आएगी तो मैं पूछती हूँ, विवेक उसको लेने के लिए ही गए हुए हैं, और उसके बाद शायद हम भी बाहर जाएं, आज मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, कहती हूँ इन्हें कहीं चलते हैं, बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है इनके साथ कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने जाने का, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियों में, घर की जिम्मेदारी, प्रोफेशन की जिम्मेदारी में टाइम ही नहीं निकाल पाती मैं विवेक को देने के लिए, मतलब ऐसा स्पेशल वाला टाइम। वो तो घर में तो टाइम स्पेंड होता ही है, बट एक होता ना एक स्पेशल वाला टाइम होता है कि हाँ, मतलब हस्बैंड के साथ हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गुड क्वालिटी टाइम। ज़मीन पर बैठी हुई हूँ मैं, और मेरा ये वाले लैम्प का बल्ब हो गया है ख़राब, तो विवेक से मंगवा के मुझे इसमें बल्ब लगाना है। और शाम के टाइम देखो ये लोग घर कैसा कर देते हैं, अभी देख मैंने पोल खोल दिए तुम लोग की, देखो अभी पूरा घर मैं ठीक करूंगी, इनमें से कोई नहीं करेगा। अभी चलो हेल्प करो, बी ए गुड बॉय, शोना बी ए गुड बॉय, और हाय करो सबको, एवरीबॉडी इज वरीड फॉर यू, हाय गाइस, सबको आपकी बहुत चिंता थी बेटा, मैंने बताया था आप बहुत बीमार हो गए थे ना। अब तो गाइस मैं ठीक हूँ, यहाँ आके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा होगा, अब तो गाइस मैं ठीक हूँ, अब ठीक है बाबू मेरा, यस ठीक है, चल मिलके थोड़ा रूम साफ कर दे। जब प्रीशा आएगी तब, प्रीशा आएगी तब, बहाने बनवा लो भैया आजकल के बच्चों से, तो बस बहाने बनवा लो। एक ग्लो, हाँ मुझे कोई पूछ रहा था कि दीदी आप घर पे जो सीरम लगा रहे हो तो वो कौन सा लगा रहे हो बना के, मैंने घर पे होममेड सीरम बनाया है, तो मैं आपको उसका रेसिपी बहुत जल्दी शेयर कर देती हूँ, नए वाले चैनल पे शेयर करूँगी,
और ये मैंने नहाने के बाद, मेरी आदत है दोपहर पे कब नहाई थी मैं, 2 बजे के करीब नहाई थी, तब मैंने ये हल्का सा लगाया था लिप कलर मेबेलिन का, तो वो लगा हुआ है। ये मेरी आईब्रो भी थोड़ी सी ना हल्की हो गई है, मुझे ना कैस्टर ऑयल वगैरह लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है इनको घना करने के लिए। छुपते छुपाते क्यों आ रही है? सर को खाना कैसा लगा? अच्छा लगा। सच बता कैसा लगा? अच्छा लगा। बंद कर लेना डोर। क्यों ऐसे हंस रही है? मतलब पसंद नहीं आई सब्जी? सच्ची बोलना। अच्छी लगी। हाँ तो ठीक है, ठीक है। ये देखिए अचार आ गया, वो जो मैंने मंगाया था ना। अरे इट्स लाइक घर वाला अचार। प्रिशा सी इसको ओपन करके देख, घर जैसी पैकिंग ही लग रही है मेरे को। इसमें लिखा भी है देख, होममेड, देख ले यहाँ लिखा है। अरे ये इनका ना पूरा होममेड ब्रांड है। और देख खोल के देख ऐसा लगेगा जैसे नानी ने बनाया है। इट्स अमेजिंग ना। डब्बे ले आई वापस, कल मैंने इनके ना डब्बे भी खरीदे हैं स्कूल के लंच बॉक्स के। तो मैं अभी तैयार हुई हूँ, हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। मैंने आपको बोला मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, तो मैंने एक ड्रेस चेंज कर ली है। इस चादर को भी ठीक करती हूँ, ये अभी तक मैं ठीक नहीं कर पाई हूँ। शाम से कुछ ना कुछ अपना, मेरा जो शाम का रूटीन होता है घर में, मैं हवन करती हूँ ना, हवन कह सकते हैं उसे, या कह सकते हैं कि घर में वो लोबान का धूप का धुआं करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ऐसे कहते हैं कि नेगेटिविटी उससे क्लियर होती है। अगर घर में किसी भी तरह का, पता है एक, मैं आज आपको एक टिप देती हूँ जो मुझे मेरी मम्मी ने बताया था और मैं इसे अप्लाई करती हूँ कभी कभी मेरे घर में। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा लग रही है आपको, जैसे कि झगड़े वगैरह हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, या ऐसे फील हो रहा है कि समथिंग इज़ तो रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग है, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, सो डू वन थिंग, आप एक नारियल लीजिए, जो नारियल हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाला, एंड उसको आपको पूरे घर में से घुमाना है। मतलब जो आपके घर के एंट्रेंस की डोर है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है, एक साइड से, जैसे ये डोर है तो एक साइड से स्टार्ट करके आप उसको पूरे घर में घुमा के दूसरे साइड से वापस आके, और फिर उसको आप लेके जाइए, वो आप जो है लेके जाओ और जाके उसको मंदिर में रख के आ जाओ हनुमान जी के। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपको घर में काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। ये आप करके देखना, मैंने कई बार अपने घर में यूज़ करके देखा है। इसे टोटका कहेंगे या मतलब नारियल तो भगवान के लिए वो होता है, तो ये चीज़ मैंने यूट्यूब वगैरह पे मैंने भी देखी थी, बट जब मम्मी ने मुझे बोला देन आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड इसके कुछ पॉजिटिव फ़ायदे मुझे महसूस हुए। ऑल्सो मेरे बालों का लेंथ देख रहे हो आप, मेरे बालों का लेंथ मुझे बढ़ा हुआ लग रहा है, जबकि मेरे बाल है ना बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। जब से मेरी बड़ी वाली बेटी मुझसे दूर गई है ना, उसके बाद मेरे बाल चले गए थे। मतलब मेरे बाल, मैं आपको क्या बोलूँ, जितने अभी मेरे सिर पे हैं इससे ट्रिपल थे, और उसके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई थी, तो मेरे बाल बहुत हल्के हो गए। लेकिन हाँ इतना है मेरे साथ, एक अच्छी बात है कि मेरे बालों में वॉल्यूम है, तो इस वजह से बाल मेरे हल्के ज़्यादा पता नहीं चलते। तो ये आजकल मैं कुछ एक्स्ट्रा केयर ले रही हूँ, मेरे स्किन का भी एक, मैं घर पे जो मैंने आपको बताया था घर पे सीरम बनाया है मैंने, उसको यूज़ कर रही हूँ, जिसके चलते मेरे स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो है। ऑल्सो आई एम यूजिंग सो मेनी हेयर थेरेपीज, मतलब घर की, हाँ कोई मैं पार्लर में पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कम पैसों में आप घर पे कर सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एक बार आपने अमेजन से वो बॉटल मंगवा के रख ली जो हमारी दादी नानी यूज़ करती चली आ रही है बालों पे, और एक बार रख लिया और उसी से आपने बहुत सारे रेमेडीज़ बना लिए। सो आई एम प्लानिंग नाउ, मैं कहती आपको हर बार हूँ लेकिन कभी कर नहीं पा रही हूँ, ये मेरी गलती हो रही है, माफ़ कर दीजिएगा कि मैं नए चैनल पे ये वाली रेमेडी डालूंगी वो डालूंगी, लेकिन मेरे से हो कुछ नहीं रहा है। बट नाउ आई एम रियली वेरी वेरी सीरियस अबाउट माय सेकंड चैनल, बिकॉज मैं आपको सच्ची बोलूँ तो इनकम बहुत कम हो चुकी है। अगर मतलब मैं एक इनकम पे भी वीडियो बना दूंगी, बहुत कम हो गई है, मतलब इतनी कम कि अब तो मुझे लग रहा है कि घर भी चलेगा कि नहीं, तो मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ मेरे सेकंड चैनल पे, इस चैनल पे तो व्लॉगिंग जाएगी जाएगी, बट सेकंड चैनल पे भी मैं सोच रही हूँ मेहनत शुरू करूँ। और अभी आज ना मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था बाहर निकलने का, शाम से निकलना चाहती थी और करते करते रात के 9:15 बज चुके हैं, यहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा, उसमें टाइम देगा। खाना वाना खाया हमने, दोपहर के दाल चावल थे, एक सब्ज़ी मैंने ऐड की भिंडी की, और थोड़ी सी ग्रीन अनियन की सब्ज़ी जो थी वो थी, एंड वो सब खा खू के हम लोग फ्री हुए। तो मैंने बोला विवेक आज तो बाहर जाना है, पर रोज़ सोचती हूँ ऐसे कि फैमिली के साथ पूरे एक साथ निकले, लेकिन हो नहीं पाता है। मेहंदी मैंने लगाई थी नूपुर की, क्या बढ़िया सा कलर आया है। मेहंदी में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी, क्योंकि मेहंदी जो होती है ना वो करती है बालों को ड्राई, तो अगर उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाएं
तो वो ड्राइनेस नहीं करता है। अभी आने के बाद मुझे रेडी होना है, मुझे रील्स बनाने हैं, मैं अब सीरियस वर्क करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यूट्यूब से कमाई बहुत ही कम हो गई है, तो मुझे अपने आप को इंस्टाग्राम पे ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा ये मतलब अच्छा चलता है रील्स, मतलब लोग वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ मेरा जो फॉलोइंग है वो ज़्यादा है, या सब्सक्राइबर जितने हैं उससे ज़्यादा मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना। चलो तो फिर बाहर चलते हैं, घूमते हैं। मेरा मन कर रहा है फालूदा पीने का बहुत टाइम के बाद, क्योंकि पीछे बच्चे इतना बीमार थे, हम कोई चीज़ बाहर की ना खाए हैं ना गए हैं, आज मन कर रहा है फालूदा पीने का। तो वैसे भी अब यहाँ थोड़ी थोड़ी सी, जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, दो दिन से यहाँ हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है, मुझे हल्का सा इनफैक्ट पसीना भी आ रहा है बिना पंखा चले, तो कुछ ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मेरा पर्स लूँगी और चलो ये बेड पहले ठीक कर देती हूँ, देखो कितना मैस हो रहा है। और हमेशा वाला मेरा ये पर्स लावी का मेरा होता है, मतलब जिस पर्स में सामान पड़ा रहता है फिर वही मेरा चलता रहता है काफ़ी टाइम, मैं चेंज नहीं करती, यही वाला लेके जा रही हूँ। अभी बजे हुए रात के एक और मैंने जस्ट मेरे सब रील वील सब वैलेंटाइन डे के लिए रील बनाए आज, मैंने बहुत सारा काम किया है। 1:10 हो रहे हैं, अब मैं मुँह हाथ धोऊंगी, विवेक सो चुके हैं, सुबह उनको ऑर्डर पे जाना है। ड्रेस बहुत अच्छा है, अमेजन के वीडियो में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, बहुत प्यारा ड्रेस है, देखो है ना, आप भी वैलेंटाइन पे इसे मंगा सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत जल्दी इसका डिलीवरी भी हो जाएगा। अमेज़न से चीज़ें बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, आपको पता ही है। कैसा लग रहा है आपको ये गेटअप? और इसमें मैंने बहुत सारे रील बनाए हैं और अब तक तो बहुत सारे अपलोड भी हो चुके होंगे, क्योंकि व्लॉग तो लेट जाता है, बट रील तो मैं नेक्स्ट डे से डालना शुरू कर देती हूँ, आँखें बंद होने लग गई हैं, बहुत थकान हो गई है। चलिए गुड नाइट। आज का व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए चैनल को भी कर लेना, वहाँ पर भी सब स्टफ मैंने शुरू कर दिया डालना। चलिए, लव यू, बाय।